Hello student, today I am going to explain you the remaining part of morphology of flowering plants. Next one, inflorescence, the arrangement of flowers on aerial plant axis. जो plant axis होती है उसके ऊपर जो flower का arrangement होता है उसको inflorescence कहते हैं. Next one, types of inflorescence. The inflorescence may be classified into following five types. जो inflorescence होता है उसको पांच types में divide किया गया. First one, solitary. सेकेंड वन रेसिमोस, थर्ड वन साइमोस, फोर्थ वन स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फिफ्थ जो होता है मिक्स इन्फ्लोरेसेंस और सिक्स वाला जो है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस. फर्स्ट वन सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस. इन दिस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सिंगल फ्लावर्स बॉर्न एट द प्लेस. हर ब्रांच के ऊपर एक फ्लावर का क्या होगा, फ्लोरिश होगा, खिलेगा. डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ फ्लावर इट मे बी ऑफ टू टाइप्स. अब देखते हैं कि फ्लावर की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये भी टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन सॉलिटरी टर्मिनल और सेकंड जो होता है सॉलिटरी एक्सिलरी. सॉलिटरी टर्मिनल के अंदर जो टर्मिनल ब्रांच होती है सबसे ऊपर की ब्रांच होती है उसमें एक फ्लावर होता है, लेकिन जो एक्सिलरी होता है उसके अंदर आइट साइड की जो ब्रांच होती है जहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन होता है आइट साइड की ब्रांच उसमें भी एक फ्लावर होता है. तो जब टर्मिनल फ्लावर टर्मिनल ब्रांच के ऊपर फ्लावर है तो उसको सॉलिटरी टर्मिनल कहेंगे. एग्जाम्पल जो है आर्जिमोन जिसको पीली कटेरी कहते हैं. सेकेंड आता है सॉलिटरी एक्सिलरी, जो आइट साइड की जो ब्रांच है उसके टॉप पे भी फ्लावर अगर ग्रो करेगा तो उसको सॉलिटरी एक्सिलरी कहेंगे. एग्जाम्पल है चाइना रोज. सेकेंड रेसिमोज और इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस. यंगर फ्लावर डेवलप टुवर्ड द एपेक्स. जो नए फ्लावर होते हैं एपेक्स मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं नीचे बेस की तरफ ग्रो करेंगे. तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं. डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इन आउटर टू इनर साइड. जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ होता है तो ऐसा जो टर्मिनोलॉजी उसको सेंट्रिपिटल सक्सेशन कहेंगे. एग्जाम्पल गोल्ड मोहर सनफ्लावर तथा मलबरी एंड ऑनियन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. इस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें बेस पे क्या होते हैं ओल्डर फ्लावर होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, लेकिन ऊपर की तरफ फ्लावर साइज में कैसे होते हैं यंगर होते हैं जिनका साइज कैसा होता है छोटा होता है. अब यहाँ पर डेवलपमेंट होता है बाहर से अंदर की तरफ डेवलपमेंट होता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कैसा होगा कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. नेक्स्ट वन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस. ये जो रेसिमोज होता है उसका अपोजिट होता है. उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ होगी वो डेफिनेट होगी. टर्मिनल बड डेवलप द फर्स्ट एंड लेटरल बड्स डेवलप लेटर. इसके अंदर जो ऊपर वाली बड्स है उसका डेवलपमेंट पहले होगा जिससे उनका जो फ्लावर का जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा बड़ा होगा, जबकि लेटरल जो ब्रांच है उसकी जो बड्स होती है वो ग्रो होती है बाद में जिससे वो जो फ्लावर होंगे उनका साइज कैसा होगा छोटा होगा. इसलिए ऊपर की जो ब्रांच अगर पहले ग्रो कर जाती है तो बाद में उसमें ग्रो नहीं होती इसलिए उसको डेफिनेट ग्रोथ कहा जाएगा, डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे. ओल्डर फ्लावर सिचुएटेड टुवर्ड द एपेक्स. इसमें जो ओल्डर फ्लावर होंगे एपेक्स पे होंगे लेकिन जो यंगर फ्लावर होंगे लेटरल साइड में दोनों तरफ होंगे. इस टाइप का जो सक्सेशन होता है इसको बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं. एग्जाम्पल चमेली, पोटैटो एंड कैलोट्रोपिस एक्सेट्रा. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है यहाँ पर जो पहले फ्लावर ग्रो करता है टर्मिनल वाला और जो लेटरल फ्लावर होता है इसका ग्रो क्या हो जाता है डेवलपमेंट बाद में होता है. तो जो पहले होता है इसका साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है. अब ये जो टर्मिनल फ्लावर है ये आगे ग्रो नहीं करेगा मतलब यहाँ पर डेफिनेट ग्रोथ हो रही है. उसके बाद जो लेटरल फ्लावर है वो ग्रो करेंगे मतलब यंगर फ्लावर जो होते हैं लेटरल साइड में होते हैं और ओल्डर जो फ्लावर होते हैं उसमें एपेक्स वाले पे होते हैं. तो ऐसा जो सक्सेशन होता है उसको क्या कहते हैं बेसिपिटल कहते हैं. स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस साइथियम. इट इज मॉडिफाइड साइमोस विच सीम टू बी सिंगल फ्लावर. यह साइमोस का एक मॉडिफिकेशन होता है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस एक सिंगल फ्लावर की तरह से लगता है. मेन एक्सिस फॉर्म द कॉनिकल रिसेप्टेकल. जो इनकी मेन एक्सिस होती है एक रिसेप्टेकल फॉर्म करती है जिसका शेप होता है कॉनिकल. सिंगल फीमेल फ्लावर डेवलप एट द सेंटर ऑफ रिसेप्टेकल. इसमें केवल एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है जो कि रिसेप्टेकल के सबसे ऊपर की तरफ होता है और उसके दोनों तरफ मेल फ्लावर होते हैं. ऑल फ्लावर एनक्लोज बाय द ब्रैक्ट.
और जितने भी मेल और फीमेल फ्लावर हैं उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको ब्रैक्ट कहते हैं जी। ये ब्रैक्ट आपस में कंबाइन होकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसको साइथियम कहते हैं, एग्जाम्पल यूफोरबिया। दिस इज द डायग्राम ऑफ साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि जो रिसेप्टिकल होता है वो कॉनिकल होता है, इस रिसेप्टिकल के ऊपर एक फ्लावर का डेवलपमेंट होता है जिसको फीमेल फ्लावर कहते हैं। मतलब रिसेप्टिकल के ऊपर केवल एक फीमेल फ्लावर होगा और उसके दोनों तरफ जो होंगे वो मेल फ्लावर होंगे। मतलब सेंटर में फीमेल फ्लावर और उसके दोनों तरफ मेल फ्लावर होते हैं, और इसके दोनों तरफ क्या होता है ब्रेक्ट होते हैं, कवरिंग होती है। ये आपस में कंबाइन होकर कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस कैसा लगता है, एक फ्लावर जैसा लगता है। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको साइथियम कहते हैं, एग्जाम्पल है यूफोरबिया। हाइपेंथोडियम, इट इज मॉडिफाइड ऑफ द हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये हेड और कैपिटलम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका एक मॉडिफिकेशन होता है, इन विच द फ्लोरल एक्सिस और रिसेप्टिकल बिकम द होलो, जिसके अंदर जो फ्लोरल एक्सिस होता है रिसेप्टिकल क्या हो जाता है, होलो खोखला हो जाता है, और कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें ऊपर की तरफ एक पोर या छिद्र होता है जिसको ऑस्टियोल कहते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं स्मॉल स्केल्स होते हैं जो उसको कवर करते हैं। हेयर द फ्लावर्स आर सेसाइल, इनके जो फ्लावर्स होते हैं सेसाइल होते हैं, सेसाइल्स होते हैं इसमें पेटियोल नहीं होता, छोटे होते हैं और हाईली रिड्यूस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे। द फीमेल फ्लावर रिमेन इन द सेंट्रल, जो रिसेप्टिकल होता है जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच की तरफ जो होते हैं फीमेल फ्लावर होते हैं, दोनों साइड में जो होते हैं मेल फ्लावर होते हैं आउटसाइड में, एग्जाम्पल बेनियन पीपल एंड फिस्कस। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपेंथोडियम। इसके अंदर जो रिसेप्टिकल होता है वो कैसा हो जाता है कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और ऊपर की तरफ एक पोर होगा जिसको ऑस्टियोल कहेंगे। अब इसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे, जो बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर बीच सेंटर वाले पोर्शन, और ऊपर की तरफ जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, मेल फ्लावर होंगे। तो पूरा एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में एक ऊपर अपर्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोल कहते हैं, और अंदर की तरफ जो सेंटर में होंगे वो फीमेल फ्लावर और साइड में जो होंगे वो मेल फ्लावर होंगे। वर्टिसलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस, इज इज स्पेशल फीचर्स ऑफ फैमिली लेबिएटी। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है और फैमिली लेबिएटी के मेंबर्स में पाया जाता है। विच द लीव्स ऑफ द अपोजिट सप्रेस टाइप, जिसके अंदर जो लीव्स होती है एक लीव्स दूसरी लीव्स को क्या करती है, सुपर पोज करती है, जिससे ऊपर वाली लीव्स देखेंगे तो नीचे वाली नहीं दिखेगी और नीचे से जब देखेंगे तो ऊपर वाली लीव्स नहीं दिखती है, क्योंकि एक लीव्स दूसरे लीव्स को सुपर स्पोज करती है। इन द एक्सिल ऑफ लीव्स इज प्रेजेंट द कंडेंस्ड बायपोरस साइम द कंसिस्टिंग ऑफ सेसाइल फ्लावर, और इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं सेसाइल्स होते हैं, मतलब फ्लावर के अंदर पेटियोल नहीं होता, डंठल नहीं होता है, और जो लीव्स होती है वो इस तरह से अरेंज होती है कि एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होती है, इसलिए इसको वर्टिसलेटर इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है ओसिमम तुलसी, साल्विया, मिंट एक्सेट्रा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक लीव दूसरी लीव को क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही है। पहली लीव वाली लीव्स कैसी है, इस टाइप की है, तो दूसरी लीव्स कैसी है, उसके ऊपर की तरफ होगी, फिर इसके इधर की तरफ है, तो कैसा होगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, व्हील लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और ये पाया जाता है तुलसी के अंदर। उसके बाद इस टाइप की तो एक लीव दूसरी लीव्स को क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, व्हेन द मेन एक्सिस बियर वन टाइप एंड लेटरल ब्रांचेस बियर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर। एक ही प्लांट के अंदर जो मेन ब्रांचेस के अंदर इन्फ्लोरेसेंस अलग है और लेटरल जो ब्रांचेस है उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है, तो एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट काइंड के इन्फ्लोरेसेंस जब पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं मिक्स इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल है बनाना, एक्सोरा एंड ऑनियन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देर आर फोर पार्ट्स इन ए टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन कैलिक्स, ये जो ग्रीन कलर का होता है, इसकी जो यूनिट होती है इसको सेपल कहते हैं, कलर जो होता है ग्रीन होता है। सेकंड कोरोला होता है, सेकंड वन होता है ब्राइट कलर का होता है, इसकी जो यूनिट होती है इसको पेटल कहते हैं। थर्ड वन जो एंड्रोशियम होता है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, इसकी जो यूनिट होती है इसको स्टेमन कहते हैं।
फोर्थ जो पार्ट होता है गाइनोशियम होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसकी जो यूनिट होती है इसको कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो टिपिकल फ्लावर का एलएस है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, सबसे नीचे का जो डंठल होता है उसको पेडिसल्स कहते हैं, ऊपर के ऊपर इसमें एक थैलेमस होता है, सिंहासन होता है, जिसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं अटैच होते हैं। अब इसमें पहला जो वर्ल होता है इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, इसकी जो एक यूनिट होती है इसको सेपल कहा जाता है। उसका जो सेकेंड वर्ल होता है इसकी जो एक यूनिट होती है इसको पेटल कहते हैं, पेटल जो होते हैं ब्राइट कलर के होते हैं। इसका जो थर्ड वर्ल होता है इसको क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसकी एक यूनिट है जिसको क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। तो अब इस स्टेमन के थ्री पार्ट होते हैं, अपर जो पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, नीचे का जो पोर्शन होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, और इसके बीच का जो होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट जिसको क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी तीन पार्ट होंगे, ऊपर का जो नोब लाइक होगा स्टिग्मा होगा, ये वाला जो दूसरा है वो स्टाइल होगा, और नीचे का पोर्शन जो होगा कैसा होगा, ओवेरी होगा। और ओवरी के अंदर क्या सिचुएटेड होगा, ओव्यूल होगा। तो एक फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर्स, फर्स्ट वन ब्रेक्ट्स। ब्रेक्ट्स आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड लीफ फ्रॉम द एक्साइल ऑफ विच फ्लावर अराइज। जो ब्रेक्ट होते हैं स्मॉल होते हैं और छोटी छोटी लीव्स लाइक होते हैं, जो कि फ्लावर का जो एक्सिल पोर्शन है उससे अराइज होते हैं। ब्रेक्ट आर अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। जो ब्रेक्ट होते हैं मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, दे आर यूजुअली ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, समटाइम्स स्मॉल ब्रेक्ट लाइक द स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन द ब्रेक्ट एंड फ्लावर, दीज आर नोन एज ब्रेक्टियोल। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर के अंदर फ्लावर तथा स्मॉल जो ब्रेक्ट्स होते हैं उनके बीच में भी और स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उनको ब्रेक्टियोल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज शेप एंड कलर द ब्रेक्ट एंड ब्रेक्टियोल आर मेनी टाइप्स। नेक्स्ट वन सिमेट्री। देर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। फर्स्ट वन एसिमेट्रिकल, अ फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट्स इन एनी प्लेस। जब कोई फ्लावर किसी भी प्लेन से किसी भी जगह से दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस फ्लावर को एसिमेट्रिकल कहेंगे। एग्जाम्पल है केशिया। दूसरा है सिमेट्रिकल, अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इन टू टू इक्वल पार्ट्स इन एनी वन एंड मोर प्लेन्स। जब कोई फ्लावर एक या एक से अधिक जगह से दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो ऐसा फ्लावर सिमेट्रिकल फ्लावर्स होगा। देर आर टू टाइप्स, एक्टिनोमार्फिक एंड जाइगोमार्फिक। फर्स्ट वन एक्टिनोमार्फिक, द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट इन मेनी प्लेन्स। जब कोई फ्लावर हर जगह से कहाँ से भी काटो उसको दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो ऐसा फ्लावर जो होगा वो एक्टिनोमार्फिक होगा। एग्जाम्पल धतूरा एंड मस्टर्ड। सेकेंड जो जाइगोमार्फिक, द फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स इन वन ओनली प्लेन। जब कोई फ्लावर दो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड होगा लेकिन हर जगह से नहीं होगा, किसी एक प्लेन से होगा, तो ऐसा जो फ्लावर होगा वो जाइगोमार्फिक होगा। एग्जाम्पल पी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम एक्टिनोमार्फिक इन जाइगोमार्फिक। फर्स्ट जो डायग्राम है वो एक्टिनोमार्फिक का है। अब इस फ्लावर को अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ से भी करेंगे और यहाँ से भी करेंगे तो दो इक्वल, मतलब किसी भी प्लेन से जब किसी फ्लावर को कट करते हैं और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो इसको एक्टिनोमार्फिक कहते हैं। अब सेकेंड आता है जाइगोमार्फिक। इस फ्लावर को केवल इसी प्लेन से काटने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब हर जगह से काटने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, केवल एक ही प्लेन पे काटने पर जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो ऐसा जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट वन मोनोसियस, व्हेन अ प्लांट हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। जब किसी प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं तो उसको मोनोसियस कहते हैं। एग्जाम्पल कुकरबिटेसी। डायोसियस, व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। जब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग फ्लावर पे होते हैं तो उसको डायोसियस कहेंगे, जिसे पपाया। यूनिसेक्चुअल, द फ्लावर इन विच द आइदर गाइनोशियम और एंड्रोशियम इज फाउंड। यदि किसी फ्लावर के अंदर या तो गाइनोशियम होगा या एंड्रोशियम होगा तो ऐसा फ्लावर यूनिसेक्चुअल होगा, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे, या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे फ्लावर में या तो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पॉलीगेमस प्लांट, दीज आर प्लांट इन विच द यूनिसेक्चुअल बायोसेक्चुअल एंड न्यूटर फ्लावर्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। जब एक फ्लावर के ऊपर यूनिसेक्चुअल फ्लावर भी हो
बायसेक्चुअल फ्लावर भी हो, न्यूट्रल फ्लावर भी हो, तो ऐसा प्लांट जो होगा उसका पॉलीगेमस प्लांट कहेंगे। स्टेमिनेट और मेल फ्लावर, सच फ्लावर हैव ओनली स्टेमन एंड नॉट कार्पेल। ऐसे फ्लावर जिसमें केवल स्टेमन होता है, कार्पेल नहीं होते हैं, तो उन फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। सेकेंड है पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें केवल कार्पेल होता है, स्टेमन नहीं होता है, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। बायसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर जिसमें कार्पेल भी होगा स्टेमन भी होगा उसको बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और न्यूटर, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर दोनों सेक्स नहीं होते, मेल भी नहीं होते फीमेल भी नहीं होते, तो ऐसे जो फ्लावर है उसको न्यूटर फ्लावर कहते हैं। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस या हाइपोगाइनी, ओवरी सिचुएटेड अबव सेपल पेटल एंड स्टेमन। इसमें ओवरी सबसे ऊपर की तरफ होगी और जो फ्लोरल पार्ट होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, एग्जाम्पल ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। सेकेंड है पेरीगाइनस या पेरीगाइनी, इसके अंदर जो ओवरी होती है उसके मिडिल वाले पोर्शन से क्या अटैच होंगे, सेपल पेटल तथा स्टेमन, एग्जाम्पल रोज पी तथा बीन्स। इसके बाद है इपीगाइनस या पीगाइनी, सेपल पेटल स्टेमन अरेंज एट द टॉप ऑफ ओवेरी। इसमें ओवेरी नीचे की तरफ होती है और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं जैसे सेपल पेटल और स्टेमन ओवेरी के ऊपर से अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को इपीगाइनस या इपीगाइनी कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द हाइपोगाइनस, इपीगाइनस एंड पेरीगाइनस। फर्स्ट वन जो डायग्राम डिनोट करता है हाइपोगाइनस को, इसमें ओवेरी सबसे ऊपर है और नीचे से किसके इसको फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं, मतलब ओवेरी सुपीरियर है और फ्लोरल पार्ट जो है वो इन्फीरियर है, तो ये जो कंडीशन है हाइपोगाइनस। सेकेंड जो कंडीशन है आपकी कौन सी है, पेरीगाइनस। इस पेरीगाइनस में क्या होता है कि ये जो ओवेरी है इसके जो मिडिल पोर्शन है यहाँ से क्या निकल रहे हैं, अटैचमेंट किसका है, सेपल और पेटल का, तो ये क्या हो गया आपका पेरीगाइनस। और थर्ड वन जो है ओवेरी सबसे नीचे है और फ्लोरल पार्ट का है उसके ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे, इपीगाइनस।